जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देयर वाज सम टेक्निकल इशू जी, जिस वजह से थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ा। मैनेजमेंट टीम वाज ट्राइंग टू फिक्स इट अप, तो अब ये कुछ फिक्स हो गया है। कुछ दो चार मिनट हम देख लें। कुछ लोग जो पहले ट्राई कर रहे थे वो ज्वाइन नहीं कर सके, अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हम बात को कंटिन्यू करते हैं। जी सो टिल द पीपल ज्वाइन अस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, यू वांट टू आस्क समथिंग। हमने लास्ट टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के हवाले से बात इनिशिएट की थी, एंड वी डिस्कस्ड अ कपल ऑफ मेथड्स हाउ टू यू नो कैरी आउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हमने इनिशियली दो मेथड्स पे प्रॉबेबली बात की थी, एक काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं उसको, और उसके अलावा कैश पे बैक पीरियड या पे बैक पीरियड मेथड के हवाले से हमने बात की थी। विल बी डिस्कसिंग टुडे अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, उस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। बट जो लास्ट टाइम डिस्कशन हुई, यू आर सेंट विद सम क्वेश्चंस कि आप उनको सॉल्व करें, ट्राई करें। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू फ्रॉम दोज क्वेश्चंस, और कोई इशू है आपको, कोई बात पूछना चाहते हैं, या कॉन्सेप्चुअली जो डिस्कशन लास्ट वीक में हुई, इफ़ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग दैट, यू मे आस्क योर क्वेश्चंस नाउ। यू ऑल ऑफ यू आर अलाउड टू स्पीक, अगर कोई बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल सर जो आपने प्रॉब्लम्स भेजी थी उसमें प्रॉब्लम सेट बी है, जो उसमें 12-1B में उन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है पे बैक पीरियड फाइंड करें सर, बट उसकी तो मतलब जो ये प्रोजेक्ट्स हैं उनकी टोटल लाइफ 5 ईयर्स है खाली, और उसमें तो फिर उनकी जी ठीक है। हेलो लाइफ 5 ईयर्स है तो क्या इशू आ रहा है उसमें? सर, तो फिर उसमें पे बैक पीरियड कैसे फाइंड करेंगे जब लाइफ ही ओनली 5 ईयर्स है तो? अच्छा, लाइफ 5 ईयर्स हो या लाइफ फाइव, एक्सरसाइज सेट था या प्रॉब्लम सेट? प्रॉब्लम सेट फर्स्ट क्वेश्चन। लेट मी ओपन इट। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। स्क्रीन नजर आ रही है जी? नॉट येट सर। ओके, नाउ इट्स विजिबल। यस सर। ओके सो जी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट? राइट सर। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 140,000, 175,000 एंड 190,000 ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, और तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया, और लाइफ 5 ईयर्स है। क्वेश्चन बॉस, पे बैक पीरियड निकालना है। और जी फाइन, सो
इनफैक्ट ये टोटल जो आपको नेट इनकम बताई भी है, ये नेट इनकम है, ये कैश फ्लो नहीं है। अगर आप याद कर सके तो लास्ट में भी हमने एक एमसीक्यू टाइप चीज़ की थी जिसमें हमने ये कहा था कि हमें पहले कैश फ्लोज फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो जो नेट इनकम होती है दिस इज़ आफ्टर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है जो कि माइनस कर लिया गया होगा इसके अंदर। तो अगर आपने इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है तो आपको डेप्रीसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगी हर एक जो कैश फ्लो आपको गिवन है यहाँ पे। ओके, अगर आप पहले वाले को देखें तो 1,40,000 इन्वेस्टमेंट है, और लाइफ अगर 5 ईयर है तो पर ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रीसिएशन का नीचे बताया गया, डेप्रीसिएशन इज कंप्यूटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड विद नो सॉल्वेज वैल्यू। तो 28,000 डेप्रीसिएशन बनती है पर एनम। सो इसका मतलब ये 10,000 का जो नेट इनकम निकला हुआ है ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ 28,000 है। तो अगर हमें कैश फ्लो फाइंड करना है तो 10,000 में 28,000 ऐड करेंगे तो ये 38,000 का एनुअल इनफ्लो बनेगा इंस्टेड ऑफ 10,000। यहाँ तक बात समझ आती है नबीला? यस सर, ठीक हो गया। ओके, अब अगर 38,000 है, 38 है, 38 है, 30, हर साल का 38 है, तो हमने कहा था एक्युमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बनाते हैं। अगर एक्युमुलेटिव का बनाते हैं, अगर तो सेम है तो एक शॉर्टकट ये था कि जितना हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको एनुअल इनफ्लो से डिवाइड कर दें। तो 140,000 को डिवाइड कर लें अगर 38,000 से, तो ये 3.68 ईयर्स बनेगा। ठीक हो गया सर। सर बाकी में भी इसी तरह डेप्रिसिएशन ऐड करके निकलेगी फिर। बाकी डेप्रिसिएशन इसी तरह से ऐड बैक करेंगे तो आप करेंगे। तो ये बात जहन में रहे कि जब हम बात कर रहे हैं पे बैक पीरियड की और नेट प्रेजेंट वैल्यू की एंड सो ऑन, तो ये सारे मेथड जो हैं जो कि इनमें हमने जिक्र किया था कि हमें कैश फ्लोज रिक्वायर्ड हैं इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग इनकम। सबसे पहला तरीकाकार अकाउंटिंग इनकम वाला था, उसके अंदर फ्लॉज आइडेंटिफाई होने के बाद ही हमने फिर अगला मेथड डेवलप किया था पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के बाद जितने भी मेथड्स पे हम जिक्र करेंगे इन तमाम में हमें कैश फ्लोज रिक्वायर्ड हैं इंस्टेड ऑफ नेट इनकम। गॉट इट? राइट सर, गॉट इट सर। सिर्फ हम ARR में हम उसको नेट इनकम लेंगे, जी राइट उसमें, जी उसमें ठीक अगर हो यहाँ गया। पे थैंक यू सर। हमें AR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो तो हमारा जो ये इनकम है इसी को बेस बनाएंगे। एवरेज इनकम आपकी वो 10,000 है, और एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे 140 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 70 की इन्वेस्टमेंट है, 10 डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो ये 14% रफली बनेगा, 14.28%। ठीक हो गया सर। सो एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल है? सर अभी तक नहीं। ओके, जी ओके, कंटिन्यू करते हैं जी। हमने लास्ट टाइम जहाँ तक बात की थी आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा था कि जी दो मेथड जिन पे हमने बात की है फॉर द टाइम बिंग, उन दोनों मेथड के प्रोज कॉन्स के हवाले से भी बात की थी। तो हमने कहा था कि अब हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स की तरफ जाना चाहिए, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स के अंदर जो पहले वाला मेथड है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अंदर हमें वो तमाम जो फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है, और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है वो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले टॉपिक में पढ़ लिया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो होते हैं उनको लिया जाएगा, और उनकी मदद से जो फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे और फिर बात करेंगे। तो तरीकाकार क्या है कि जितने कैश फ्लो इनफ्लोज हैं दे आर डिस्काउंटेड टू देयर प्रेजेंट वैल्यू एंड देन कंपेयर्ड विद द कैपिटल आउटले रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट। कंपेयर करेंगे उसको जितनी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। नंबर टू, इस डिस्काउंट करने के लिए यानी प्रेजेंट वैल्यूज निकालने के लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप रिकॉल कर लें तो वो प्रेजेंट वैल्यू या टेबल जो था वो आय रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन नंबर ऑफ पीरियड्स की बात कर रहा था। तो अगर कैश फ्लो की बात करें वो फ्यूचर में कब कब होने हैं उनके बारे में तो हमें इलम हो गया कि वो कैश फ्लोज कब कब होने हैं, यानी एन का तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें आय रेट ऑफ इंटरेस्ट की तलाश है। तो यानी जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हम किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकालनी है, उसे डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, उसे हर्डल रेट भी कहा जाता है, उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है।
तो हमें डिस्काउंट करने के लिए ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट जो हम यूज़ करें डिस्काउंटिंग के लिए, दिस इज़ आर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ये इसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। प्रपोजल हमारे लिए तब एक्सेप्टेबल होगा जब एन पी वी नेट प्रेजेंट वैल्यू एब्रीवेशन है इज़ ज़ीरो और पॉजिटिव। वॉट डज इट मीन? हमने दो स्टेप्स किए हैं, जितने कैश फ्लो फ्यूचर में मिले हैं उन तमाम को डिस्काउंट किया, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, उन और उन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद उसको कैपिटल आउटले यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं उसमें से माइनस किया। लेट्स सपोज 10,000 हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी और हमने जितने कैश फ्लोज फ्यूचर में मिले हैं उन तमाम की अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली और वो 13,000 है फर्ज कर रहा हूँ, इसका मतलब जो इनफ्लोज हमें मिलेंगे फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू 13,000 है, जो आज हमारी जेब से पैसे जाएंगे जो आउटफ्लो होगा उसकी वैल्यू 10,000 है। तो 13,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट बचेगा। एनपीवी लिखा हुआ है अगर ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा है, पॉजिटिव है या ज़ीरो भी है, अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। तो इन सर्टन केसेस हम डिसीजन मेकिंग में भी ये बात पड़ चुके हैं शॉर्ट टर्म के अंदर कि कुछ चीज़ें हम कुछ फैसले हम कर सकते हैं इवन दाव में प्रॉफिट ना हो रहा हो लेकिन एटलीस्ट हमें नुकसान ना हो रहा हो। तो प्रपोजल हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा अगर एनपीवी ज़ीरो है या पॉजिटिव है, जितना ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में बचेगा उतना ही अट्रैक्टिव हमारे लिए प्रोजेक्ट होगा। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के एनपीवी निकालें और उसमें से एक प्रोजेक्ट के एनपीवी दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा है तो अगर हम डिसाइड करना चाहें कि विच इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर अस, जिसके एनपीवी ज़्यादा होगा वो प्रोजेक्ट भी हमारे लिए उतना ज़्यादा सूटेबल होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये उसी की डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इससे जो रिजल्ट निकलेगा उसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। अगर ज़ीरो या पॉजिटिव है तो आप प्रपोजल एक्सेप्ट कर दें, और अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है जो उससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कम है, दूसरे लफ्ज़ों में हमें नुकसान हो रहा है, दिस प्रपोजल मे नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर द कंपनी। अब ये एक एग्जाम्पल है, उसके ज़रिए से ये चीज़ समझाई जाएगी और फिर मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सामने सॉल्व करूँगा। कंपनीज एनुअल कैश फ्लोज आर $24,000 इफ यू अज्यूम दिस अमाउंट इज यूनिफॉर्म ओवर द लास्ट ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ वी कैन कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट एनुअल कैश फ्लोज। अब ये जो 24,000 वाली क्वेश्चन है ये इनफैक्ट इफ़ यू कैन रिकॉल तो ये पीछे से हमारे पास चलता आ रहा है, जो हमने खुद से पहले कैलकुलेशन की हुई हैं उनके नतीजे में। स्टीवर्ट कंपनी वाला ये क्वेश्चन है, मैं आपके सामने वो पहले क्वेश्चन शो कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो दिस वाज स्टीवर्ट शिपिंग कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट है $130,000 की है न्यू इक्विपमेंट, और ये उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, और एस्टिमेटेड एनुअल कैश फ्लोज हैं कुछ इनफ्लोज होने हैं हमें कस्टमर से, यानी मशीन से पैसे नहीं निकल रहे, इक्विपमेंट से पैसे नहीं निकल रहे, बल्कि हम उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनको सेल करेंगे और सेल करने के नतीजे में हमें कस्टमर से रेवेन्यू मिलेगा, और जो उसके बदले में हमें कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी उस पर से माइनस करें तो एनुअली 24,000 का हमारा कैश इनफ्लो होगा। सो हमने इस 24,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 24,000 हमें एक साल नहीं मिलना, हर साल मिलना है, एवरी ईयर एंड हर साल के एंड पे मिलना है। दो तरीका कार हैं, या तो हम हर साल के 24,000 के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अलग-अलग निकाल लें, उसका टोटल करें और उसे 130,000 से कंपेयर कर लें, या फिर हमने पढ़ा था अगर सीरीज ऑफ कैश फ्लो हो, सेम अमाउंट आपको मिल रही हो या पे कर रहे हो, तो उसके लिए आप एनुटी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एनुटी का टेबल अगर आप यूज़ करें 12% पे तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास टेबल्स मौजूद होने चाहिए या आप टेबल से निकाल सकते हैं, और अदरवाइज इफ़ यू कैन रिकॉल तो आपके पास फार्मूला मौजूद था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनुटी निकालने का, 1 - 1 + i^(-n)/i। तो आप मेरे साथ अगर सॉल्व कर लें, 1 + i आपका 1.12 है, इसकी पावर -10 करें, 1 + i 1.12 raised to power -10 वैल्यू बताएंगे सर? 0.312। 1 - this value, 1 में से ये वैल्यू माइनस कर दें
सर 0.6780। और इसको डिवाइड करेंगे 12% से, यानी 0.12 से, 5.6502। ठीक है। तो ये वो राइट फॉर्मूले से वैल्यू भी निकाली जा सकती है और ये डायरेक्ट टेबल से भी देखी जा सकती है। तो ये टेबल से वैल्यू ली गई है एनविटी। अब ये एनविटी क्यों लिया गया, मैंने बता दी बात, अगर कैश फ्लो सेम है तो आप ये शॉर्टकट ऑप्ट कर सकते हैं, हर साल के 24,000 को अलहदा अलहदा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की बजाय, ये क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी इसको कहते हैं, तो ये क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है जिसे एनविटी फैक्टर भी कहते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 24,000 की जो वैल्यू बन रही है प्रेजेंट, 24,000 जो आने वाले 10 सालों में मिलना है, हर साल में 24 24, यानी 2,40,000 रुपये ओवर द 10 ईयर पीरियड मिलना है, उसकी जो वैल्यू बनती है 1,35,000 है। तो ये इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, हमने जो आउटफ्लो करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो 1,30,000 करना है। तो 1,35 में से 1,30,000 अगर माइनस कर दें तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी 5,605। तो आपने डिसीजन क्राइटेरिया पढ़ा था कि अगर आपका कैश फ्लो, अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो या पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, अगर जीरो से कम है तो प्रोजेक्ट आपके लिए प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। समझ पा रहे हैं बात के नहीं? राइट सर। ओके, लेट मी डू इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन। एक्सक्यूज मी सर, जी जेंटलमैन, सर एनुअली दो किस्म की होती है ना, एनुअली ड्यू और ऑर्डिनरी एनुअली। जी, तो ये इसमें एग्जेम्पशन एप्लीकेबल जो है वो एक ही होगी या मतलब दोनों एनुअली ही ड्यू, होगा? ये होती है जब आपको साल के शुरू में पैसे कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा हो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो लगाते साथ तो आपको पैसे मिलने नहीं शुरू हो जाते, पैसे तो आपको मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे तो उसका मतलब एग्जेम्पशन ये है कि आपके जो कैश फ्लोज हैं वो ईयर एंड पे हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है? तो फिर ऑर्डिनरी एनुटी ही इस्तेमाल हो रही है, ठीक ठीक है जी? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, ये जो अभी हमने किया है है, दोनों तरीका का के जरिए, अगर हम खुद से करना चाहें तो हम जी कर सकते हैं। चलो आप मुझे ज़रा वैल्यूज मैं लिख लेता हूँ और आपसे मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पूछूंगा और उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ईयर्स और 10 ईयर्स। अब एनुअल कैश फ्लोज हमें पता है हमारे कितने हैं, वो 24,000 हैं। अगर ये डिफरेंट भी होंगे तो हम अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। तरीकाकार प्रेजेंट वैल्यू निकालने का ये है कि आप इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, और हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अगर ये एनुटी का नहीं कर रहे हम, चूंकि हमने अलहदा कर रहे हैं, तो ये आई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है और एन नंबर ऑफ पीरियड्स पे। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमें किसने पे चाहिए, 12% पे। तो अगर 12% पे हम खुद निकालना चाहें तो ये अभी शीट मैंने सामने शो की थी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का तरीका का ये आपके सामने है। 1 + i raised to power - n है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, 1 + i raised to power - n है। तो आप करना चाहें आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। दो तरीका कार है, मैं दोनों तरीका कार आपके सामने करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। सॉरी जी, तो यानी मतलब मैं दोबारा यहाँ पे लिख दूँ, 1 + i raised to power - n कह लें, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 / i raised to power n। तो ये इसी तरह से है। तो अगर हम खुद कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहें तो माइनस वाली पावर ले लें, या मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऐसे भी किया जा सकता है कि 1 + i एक दफा 1 / 1 + i करें। 1 / 1 + i मीन 1 / 1.12। जरा वैल्यू बताइएगा क्या आता है। ये 1 / 1.12, सर 0.8928। 0.8928 जी, 0.8928 है।
जी सर, अब अगर अगले साल का फैक्टर निकालना है तो एक तरीका कार ये है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i रेज टू पावर 2 कर लें, या आप 1 प्लस i यानी 1.12 रेज टू पावर -2 कर लें। आप दोनों तरह से करके देखें, आंसर एक ही निकलेगा। बताइएगा ज़रा, करके देखें सारे लोग कैलकुलेटर पे, थोड़ा सा ज़रा आपके वो प्रैक्टिस हो जाएगी अदरवाइज। 0.7972 और अगर आप ये आपने कैसे किया, रेज टू पावर माइनस टू माइनस किया, एन अगर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i रेज टू पावर करके देखें। जी जी बता दीजिएगा क्या है। सर, सेम आ रहा है 0.7972। चलिए मैं अब आपको, अगर खुद से सॉल्व करना आपको पड़े तो इसका एक और आसान तरीका बता रहा हूँ। वो ये भी है कि जो आपने पहले साल का फैक्टर निकाला है उसकी पावर 1 थी, अगर अगले साल का निकालना है तो आपने जो पिछले साल का फैक्टर निकाला है उसको 1.12 से डिवाइड कर दें, यानी 1 प्लस i से डिवाइड कर दें, तो आपको अगले साल का फैक्टर मिल जाएगा। करके देखिए, 0.8929 को 1.12 से डिवाइड करें। 0.7972 आ रहा है। अगर आप इससे अगले साल का निकालना चाहते हैं तो अगेन 0.79, अब आपके कैलकुलेटर पर लिखा हुआ आ ही रहा है, इसको एक दफ़ा फिर 1.12 से डिवाइड कर दें। 0.7118। ठीक है, इससे अगला निकालना है तो फिर इसको अगले से डिवाइड कर दें। समझ आ रही है बात? राइट सर। चले, ये मैंने सारा फिल कर दिया है, ये फैक्टर्स हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो आप किसी एक को चेक कर लें, जैसे 9 ईयर वाला है, आप इसको चेक करें 1 प्लस i रेज टू पावर -n करके, यानी 1 प्लस 1.12 रेज टू पावर -9। सर 0.306, समझ आ गई है बात? राइट। जी, सो ये हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिखे हैं। सॉरी जी, वो मेरी तरफ अजान हो रही थी इसलिए आप साइलेंट चलें। तो तरीका कार क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू, अगर कैश फ्लोज निकालनी है तो जितने कैश फ्लोज हैं इनको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यूज निकल आएंगी। इन सब का सम कर लें तो ये जो सम है आपका, ये अगर आप गौर करें तो वही बन रहा है जो आपका वहाँ पर बन रहा था। तो इस सम को आप प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज कह रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से आप माइनस कर देंगे इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसे दूसरे लफ्ज़ों में मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज भी कहता हूँ, कि आउटफ्लो जितना हुआ है इनिशियल वो माइनस कर दें तो नेट जो बचेगा उसे नेट प्रेजेंट वैल्यू का नाम दिया जाता है जी। सो अगर आप देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 135,000, और माइनस करेंगे इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट 130,000 की थी इफ़ यू रिमेम्बर, तो जी। और अगर माइनस करेंगे तो जो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू बच रही है वो पॉजिटिव है, यही प्रेजेंट वैल्यू हमारी वहाँ पे भी बच रही थी इफ़ यू कैन सी दैट, तो प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या हम रिजेक्ट करेंगे। सर एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आप ये वो एनुटी फैक्टर, क्योंकि ये सेम कैश फ्लो होते तो उसूली तौर पे ये बार बार अलग अलग फैक्टर निकालने की बजाय
हमें एनुटी फैक्टर ही यूज करना चाहिए था। तो एनुटी फैक्टर बनता असल में कैसे है, वो क्यूमुलेटिव फैक्टर है। अगर इन तमाम 10 सालों के फैक्टर को हम टोटल कर लेंगे तो ये आपके एनुटी फैक्टर बन रहा था। अगर आपने पहले वो उधर भी देखा था तो 5.6, यानी अगर आप गौर करें तो 24,000 को मल्टीप्लाई करना है तो हम 24,000 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि बाद में हमने इसका सम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम करेंगे। तो हमने 24,000 कॉमन ले लिया और हर चीज़ का ये जो फैक्टर है तमाम का टोटल किया, और अगर एक ही दफ़ा 24,000 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 24,000 मल्टीप्लाइड बाय आप 5.6502 करेंगे तो भी वही वैल्यू बनेगी। सो 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 5.652, तो ये वही 135,605 बनता है। सो आइदर और तरीका क्या है, या तो आप इंडिविजुअल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के टोटल कर लें, या तमाम कैश फ्लोज को एनुटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन तमाम कैश फ्लोज को एनुटी फैक्टर से सिर्फ तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये कैश फ्लो स्ट्रीम सेम हो। अगर ये सेम नहीं हो, किसी साल में 25,000, किसी में 15,000, किसी में 20,000, तो फिर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर सकेंगे। मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं? राइट सर जी, मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं? यस सर, समझ आई है। ओके, चले, ये जो भी आपने क्वेश्चन शेयर किया था, अ क्विक टास्क, नीचे लिखा हुआ है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। अभी भी मैंने 12% वाला आपके सामने रखा। You need to try it on all these three projects. आप 3 की बजाय चलें सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट मिडल वाला है, ये मिडल वाले प्रोजेक्ट पे पहले अप्लाई करें आप इस प्रोजेक्ट का और एंड वाले का, क्योंकि इसमें सेम है, ये सेम वाला तो मैंने समझा दिया है, इसलिए प्रोजेक्ट विने और प्रोजेक्ट सारा जो है इस पे आप अप्लाई करें, जो भी हमने अंडरस्टैंडिंग ली और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे दोनों की। आई विल बी साइलेंट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, आप करें और फिर मुझे उसके आंसर्स बताएं। Got it? Right, sir. लेकिन एक बार फिर रिमाइंड करवा दूं कि हमें पहले कैश फ्लोज निकालने हैं। ये नेट इनकम है, हमें कैश फ्लो निकालने हैं। कैश फ्लो कैसे निकलेंगे? 175,000 पहली मशीन और प्रोजेक्ट जो है सेकंड वाला प्रोजेक्ट, तो इसकी लाइफ जो बताई हुई है 5 ईयर है, डिवाइड करेंगे तो 35,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन बनती है। हर साल की जो इनकम बताई हुई इसमें 35,000 एड बैक करेंगे तो वो कैश फ्लो बनेगा। समझ आ गई बात? Yes. और इसी तरह दूसरा जो तीसरा प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ 5 साल है, 190 में अगर 5 से डिवाइड करें तो 38,000 डेप्रिसिएशन बनती है। 38 को हर साल के क्या इनकम में ऐड बैक करेंगे तो वो कैश फ्लो बनेगा। उन कैश फ्लोज की फिर आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 12% पे। उन तमाम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करना है, और टोटल करने के बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे तो हमें एनपीवी मिलेगी। दोनों प्रोजेक्ट की आप कैलकुलेट करेंगे, विनय और सारा दोनों जी। जो लोग बाकी बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं वो भी करें ताकि एक दफा प्रैक्टिस हो जाए। तो जब कर लें तो आप अपना हैंड रेस कर लीजिएगा लास्ट का आंसर।
जी एनीवन हु हैव डन सो फॉर यस सर जी दोनों दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए कर लिया आपने यस सर जी आप मुझे बता सकते हैं कि पहले वाला जो प्रोजेक्ट है पहले वाले की कितना तीनों का अब करता हूँ आपके सामने लेकिन मुझे सिर्फ कैश फ्लोज बता दें पहले वाले के जो कैश फ्लोज हैं वो कितने बनेंगे फर्स्ट वन सर हमने विनी वाला और सारा वाला किया मैरी वाला नहीं किया ठीक है मैं पहले वाले का भी पूछ रहा हूँ अगर आप कह रहे हैं तो क्या बनेगा 10,000 का इनकम है और 1,48,000 38,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 520 38,000 हो जाएगा ओके फाइन मुझे बस ये बोल दीजिएगा चूँकि स्क्रीन आपके सामने है तो मैं कॉपी करने के बजाय यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ 38,000 होगा ओके और जो दूसरे वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए जी जो वेने वाला है इसका क्या है आपके पास कैश फ्लो ईयर वाइज सर डिफरेंट है सब में जी बोल दीजिएगा पहले साल सर फर्स्ट ईयर में 47,500 सेकंड में 47,000 47,000 46,000 43,000 43,000 एंड 41,000 41,000 So if we take it to project number 3. Sir, so my first year may 57,000. Fifty-four thousand. 47,000. 47,000. And 46,000. 46,000. सॉरी ये तीनों आपके सामने हैं मैंने यहाँ पे कैश फ्लोज मेंशन कर लिए हैं और मैं आपके सामने इन तीनों को सॉल्व कर देता हूँ 12% ये मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया गया तो 12% पे हमने डिस्काउंट करना ये फैक्टर हमने पहले भी निकाले थे तरीका का टेबल से भी निकाल सकते हैं 1/1+i पहले साल के निकालें और उससे अगले सालों की अगेन 1+i से डिवाइड करते हैं यू कैन कम अप विद द नेक्स्ट मंथ्स जो आपके नेक्स्ट ईयर्स कैश फ्लो है ये 38,000 है सेम कैश फ्लोज हैं तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सो क्या अब हर एक की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के टोटल करें दिस कुड बी डन कि आप जितना टोटल क्यूमुलेटिव फैक्टर है आपका ये यहाँ पे मैंने कर दिया क्यूमुलेटिव मतलब वैसे टेबल से भी पिक कर सकते हैं तो आप एक ही दफ़ा ये जो 38,000 है इसको एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें 3.6 से तो 3.604776 तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी वो वही बनती है 136,000 तो अगर आप पहले वाले प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी 1 लाख जो पहले वाला प्रोजेक्ट है उसकी इन्वेस्टमेंट 140 है दूसरे की 175 और तीसरे की 190 सो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 140,000 है अगर इसमें से माइनस करें तो ये नेगेटिव एनपीवी आ रही है प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है तो क्या ये वाला प्रोजेक्ट जो है नंबर 1 वाला प्रोजेक्ट क्या ये एक्सेप्टेबल है नो सर ओके ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है अब ये दूसरे सालों वाले जो हमारे दूसरे वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें ये कैश फ्लो हर साल के सेम नहीं है सो वी कांट अप्लाई द एनुइटी फैक्टर वे हमें ये हर कैश फ्लो को अलहदा अलहदा ही डिस्काउंट करना पड़ेगा हमने हर कैश फ्लो को डिस्काउंट किया और इसकी हमने ये वैल्यू निकाली इस वैल्यू को अगर सम कर लें
हमारे पास जो वैल्यू बनती है टोटल में 163,000 है, और प्रोजेक्ट नंबर टू जो है इस पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग रही थी आपकी दैट वाज 175,000। सो शुड वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट? अगर इस प्रोजेक्ट की भी एनपीवी निकालनी हो तो तरीकाकार यही है कि हम मेंशन कर लेते हैं हमारी क्या जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 170,000 है। तो अगेन यहाँ पे भी नेगेटिव सर 175 है, ये 175 है, नेगेटिव एनपीवी आ रही है तो हमारे लिए प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है जी। और अगर इसी तरह से हम थर्ड प्रोजेक्ट की तरफ चलें तो ये हमारे पास कैश फ्लोस थे 57, 54, अगेन सेम नहीं है तो हम एनुटी वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा इनको अलहदा अलहदा से। जब अलहदा अलहदा डिस्काउंट करेंगे तो फिर उसका सम करें, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू बनती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसमें से हम माइनस कर देते हैं जी 186,000, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें 190,000 है, ऐसे ही है जी। राइट सर, तो प्रोजेक्ट तीनों के तीनों नेगेटिव एनपीवी दे रहे हैं। अगर नेगेटिव एनपीवी दे रहे हूँ जीरो या पॉजिटिव हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा, जीरो से कम होगा नेगेटिव होगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। सो अपेरेंटली ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपके सामने दोबारा तीनों प्रोजेक्ट्स इन वन गो ले आया हूँ। सो अगर हम तीनों प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसकी जो डिटर्मिनिंग फैक्टर्स हैं वो प्राइमरली अगर आप गौर करेंगे तो वो तीन डिटर्मिनिंग फैक्टर्स हैं। एक तो डिटर्मिनिंग फैक्टर है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर फर्ज करें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 140 की बजाय 130 की होती तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल बन सकता था। दूसरा डिटर्मिनिंग फैक्टर ये कैश फ्लोज हैं, इन कैश फ्लोज की वैल्यू अगर बढ़ जाए 38 की बजाय ये 40, 45 समथिंग एल्स हो जाए तो ऑब्वियसली जब उनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा निकलेगी, वो ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू जब इनिशियल इन जो आउटफ्लो है उससे माइनस होगी तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। तो तीसरा डिटर्मिनिंग फैक्टर है वो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिस्काउंट रेट है जिस पे हम प्रोजेक्ट को डिस्काउंट कर रहे हैं। सो अगर इन तीनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल में चेंज आता है तो हमारे लिए जो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है हो सकता है वो एक्सेप्टेबल से रिजेक्शन रीजन में चला जाए या हो सकता है रिजेक्शन रीजन से एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर जाए। अभी अपेरेंटली हमें लग रहा था कि 12% पे ये प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल है। व्हाट इफ अगर हम कहें कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो अगर ये 10% हो तो हम कैलकुलेट करेंगे 1/1.10 यानी 1+ आए तो हमारा ये पहले साल का फैक्टर बनेगा। अगर ये पहले साल का है तो अगले साल का फैक्टर जो निकलेगा वो जो पिछले साल का फैक्टर है उसको अगेन 1.10 से डिवाइड कर दे तो उससे अगले साल का मिल जाएगा। इन सो ऑन ये हमारे फैक्टर्स होंगे। अगर हम खुद कैलकुलेट करना चाहें नबील एकाद कैलकुलेट भी कर लें, 1+i 1.10 रेज टू पावर -4 करें क्या आता है आपके पास रिजल्ट? 6.6830। ओके 6830 यही हमने कैलकुलेट किया। सो अगर अब हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करें जी, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है तो हमारे पास जो जो प्रेजेंट वैल्यू बन रही है तमाम कैश फ्लोज की 144,000 है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 140,000 है तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये डिस्काउंट रेट हमारे लिए जो है ये डोमिनेंट फैक्टर है कि जिस पे हम डिस्काउंट कर रहे हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक प्रोजेक्ट जो एक्सेप्टेबल है जैसे 10% पे एक्सेप्टेबल है तो ये 11% 12, 13 जी सॉरी। सो बट आई वाज सेइंग ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रोजेक्ट है अगर वो 10% पे एक्सेप्टेबल है तो ये 12% पे 11% पे भी एक्सेप्टेबल होगा।
we need to be critical or be careful when we are going to calculate the net present value, your discount rate, your cost of capital, your required rate of return, your minimum rate of return, जो हम choose कर रहे हैं उसकी बुनियाद में present values निकलेंगे। अब आप गौर करिएगा, मैंने अभी आपके सामने सिर्फ change किया है 12 से 10% पे गए हैं, तो हमारा factor जो है वो change हुआ। और अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाली है तो ये जितना डिस्काउंट रेट बढ़ता जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी, प्रेजेंट वैल्यूज उतनी कम होती जाएंगी। अब आप दो बातें जो याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि 38,000 ही हर साल के अंदर मिल रहा है, 38,000 पहले साल में मिला तो उसकी वैल्यू 34,545 है, वही 38,000 अगर हमें पांचवें साल में मिला तो उसकी वैल्यू सिर्फ 23,595 है। सो जितनी अमाउंट हमें फार दूर मिलेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही कम होगी, जितनी नियर मिलेगी अमाउंट उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, नंबर वन। और नंबर टू जो बात याद रखने वाली चीज़ है कि अगर इसी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हम ग्रेटर रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे या ग्रेटर रेट ऑफ डिस्काउंट पे निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम निकलेगी, कम डिस्काउंट रेट पे निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा निकलेगी। मैं आपके सामने दोनों दोबारा कर देता हूँ। अगर हम फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 12% पे चले 11% पे, 12 पे तो हमने कर लिया, अगर 11% पे सॉल्व करना चाहें तो 1/1.11 है, ये पहले साल का फैक्टर होगा, और अगले साल का फैक्टर पावर 2 कर लें उसकी, या उसको 1.11 से डिवाइड कर दे तो ये अगले साल का फैक्टर मिलेगा। ये अगर 11% पे ये फैक्टर्स हैं और मैं यहाँ पे अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूँ बेस्ड अपॉन 11% वाला डिस्काउंट रेट, तो 38,000 का कैश फ्लो है उसको 11% वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू निकल रही है दैट इज 34,234, जबकि अगर 10% पे निकाल ले तो प्रेजेंट वैल्यू 34,545 है, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप देखना चाहें, सॉरी स्क्रीन मेरे ख्याल में शेयर होना बंद होगी, सो अगर आप देखना चाहें यहाँ पे अगर हम सम करते हैं तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है कैश फ्लोज की वो 140,000 है, जबकि यहाँ पे 144,000 है। सो ये जो डोमिनेंट फैक्टर है वो हमारे लिए डिस्काउंट रेट भी है। सो वट एवर द डिस्काउंट रेट मे बी अवेलेबल टू अस, हमें उसको सामने देख के फिर अकॉर्डिंगली इवेल्यूएट करना होगा। तरीकाकार समझ आया है या नहीं समझ आया जी? Yes, sir, okay. सर चले अब अगेन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल थे, अगर इसमें आपको पहले अर्लियर ये कहा गया कि आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालें तो आप उन क्वेश्चंस में डिस्काउंट रेट को अप्लाई करते हुए नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हमें कैश फ्लोज कैलकुलेट करना है। अभी जो हमने सवाल देखा है उस पर बड़ा आसान सा काम है, जो जो भी क्वेश्चंस देखे उस पर बड़ा आसान काम है कि कैश फ्लोज बने बनाए हमारे पास अवेलेबल हैं और हमने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया डिस्काउंट रेट से और अकॉर्डिंगली प्रेजेंट वैल्यू निकाली, प्लस माइनस किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली। बट इन सर्टन केसेस जैसे आपके एग्जाम लाइक सिनेरियोज होते हैं उसमें ये सारी कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ती है। तो वो कैसे, वो जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं जिसमें कैश फ्लोज निकालना ही तो मेन आर्ट है, यानी मैंने तीन चीज़ें आपके सामने रखी, एक तो डिस्काउंट रेट पे डिपेंडेंट है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा डिपेंडेंट है आपका आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, तीसरा डिपेंडेंट है आपका जो कैश फ्लोज आने हैं। तो इसका मतलब अगर वो कैश फ्लोज ही आपने सही एस्टिमेट नहीं किए होंगे तो उस पर रिजल्ट ख़राब हो सकता है। सो जब हम वो कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने बार बार बताया कि मशीन के अंदर से पैसे तो नहीं निकलना शुरू होंगे, बट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट दोज कैश फ्लोज। आप वो कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने का तरीका कार यही है, जो उस मशीन को यूज़ करके प्रोडक्शन होगी उस प्रोडक्शन के नतीजे में कुछ एक्सपेंसेस इनकर होंगे वो कॉस्ट लेंगे,
और जो उस प्रोडक्शन को सेल करके रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू लेंगे, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे वो प्रॉफिट निकलेगा, और जैसे अभी प्रॉफिट निकला हुआ हमें मिला था, अब उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके हमने वो कैश फ्लो में कन्वर्ट किया, तो ये काम हमें करना होगा। मैं ये सवाल आपके सामने पढ़ता हूँ। कंपनी ऑटो रिपेयर इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ न्यू ट्रक। जी सलमान साहब और बाकी लोग भी जो सवाल कर रहे हैं, अभी चूंकि मैं सिर्फ इनिशियल लेवल की डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी इसमें मजीद बातें आएंगी जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स या वट एवर वो बात करें वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बताया कि वो कैलकुलेशन कैसे होनी है, ये तो लिखे लिखा है कैश फ्लो मिल रहे हैं, अगर ये लिखे हों तो फिर तो कुछ भी नहीं करना आपने, फिर तो आपने वो प्रेजेंट वैल्यू बस मल्टीप्लाई करके निकाल लेनी है, तो नथिंग टू डू विद दैट। तो जो अगली बातें हैं वो मैं इंशाल्लाह कंक्लूड करूंगा। अभी मुझे थोड़ा सा जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया उसके हवाले से कॉन्सेंट्रेट करवाने दें कॉम को, ताकि चीज़ समझ आ सके। ओके, कंपनी कंसिडरिंग टू परचेज अ न्यू टॉप ट्रक, द गैरेज डजंट करंटली हैव अ टॉप ट्रक एंड द $65,000 प्राइस टैग फॉर अ न्यू ट्रक वुड रिप्रेजेंट मेजर एक्सपेंडिचर फॉर द गैरेज। Isaac Mayer, owner of the garage, has compiled the following estimates in trying to determine whether to purchase the truck. Initial cost lagegi 65,000, estimated useful life 8 saal hai, net annual cash flow from towing jo jo aapke truck lenge usko use karenge usse ye net annual cash flows hai, income nahi hai balki cash flows hai, 9600 ओवरऑल कॉस्ट आपको फेस करना पड़ेगी अगर आप ट्रक यूज़ कर रहे हैं तो, मेजर ओवरहॉलिंग करवाना पड़ेगी फोर्थ ईयर के एंड पे 7,000, और सॉल्वेज वैल्यू जो है रेजिड्यूल वैल्यू जिसे कहते हैं वो 16,000 मिलेगी, यानी ये इनफ्लो होगा आपका एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। तो अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि तीन तरह के कैश फ्लोज होते हैं जो कि हम जब भी कैपिटल बजटिंग या कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं उनको अकाउंट फॉर करते हैं। नंबर वन, इनिशियल कैश फ्लोज जो इनिशियल टाइम पे हो रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, उसे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कहा जाता है, जो बिजनेस ऑपरेशन चलाने के नतीजे में जो कैश फ्लोज इनकर होंगे। और तीसरे जो कैश फ्लोज है उन्हें हम टर्मिनल कैश फ्लोज कहते हैं, कि अगर प्रोजेक्ट लाइफ एंड हो जाए तो उस वक्त अगर कोई इन या आउट फ्लो होगा तो उसे हम टर्मिनल कहते हैं। तो यूजली जो इनिशियल कैश फ्लो है वो आउटफ्लो ही होता है, और यूजली जो टर्मिनल कैश फ्लो है वो इनफ्लो ही होता है, लेकिन जो इन बिटवीन से ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कह रहे हैं उसमें इनफ्लो भी होते हैं आउटफ्लो भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है नेट एनुअल। मशीन से पैसे नहीं निकले थे बल्कि मशीन को चलाया उसके नतीजे में कुछ रेवेन्यू आया, रेवेन्यू के साथ जैसे ये ट्रक चलाया तो कुछ रेवेन्यू मिला होगा क्लाइंट से, और उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ कॉस्ट भी फेस करना पड़ी होगी, वो हमारा आउटफ्लो है। सो ये हमारे इनिशियल कैश फ्लो है, ये हमारा टर्मिनल कैश फ्लो है, और ये हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। बट इन एडिशन टू दिस हमें एक ओवरहॉल कॉस्ट फेस करना पड़ी है 7,000 की, जो कि चौथे साल के एंड पे है, तो हमें इसको भी अकाउंट फॉर करना है। सो आइज़क गुड फ्रेंड, चलिए अगर मैं फ़र्ज़ कर लें कि मैं बाकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी अभी कंसिडर ना करूँ, और इसके लिए ये नीचे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे बताया गया 10%, और अगर मैं 10% पे ये कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कैलकुलेट करूँगा? आई एम गोइंग बैक टू दैट इंफॉर्मेशन अगेन जी, जहाँ से हम कर रहे थे 65,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। जी अगर हम इसको यहाँ पे करना चाहें तो हमारे पास जो कैश फ्लोज हैं एनुअल, अगर वो सेम है जैसे कि यहाँ पे बताया गया 9600, तो 9600 का हमारा कैश फ्लो है, और ये कितने सालों तक हमारा चलेगा, लाइफ 8 ईयर्स बताइए, तो 8 ईयर्स तक हमारे ये कैश फ्लो होने हैं 9600। एनुटी फैक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया गया है, मैंने ये 10% वाला निकाला हुआ है, तो मैं अभी इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ जी। सो अगर हम प्रेजेंट वैल्यूज निकालना चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू जो हमारा ये 9600 का कैश फ्लो है इसको 0.901 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी।
अभी तक जो हमने निकाला वो 36,391 हमारे प्रेजेंट वैल्यूज है कैश इनफ्लोज की, 10% के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से। ओवरऑल कॉस्ट जो है इसके अलावा है, अगर हम अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहें तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा था प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज लेंगे। अब दो तरह के इनफ्लोज आपके पास आ रहे हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में अगर मैं इसको आपके सामने हेडिंग के तौर पे काउंट कर दूं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेडिंग के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जो कि मेरी एग्जाम्पल ये में। जो सर जी, ये जो नेट एनुअल कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग लिखा हुआ, ये इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है? देखिए जब कैश फ्लो लिखा हुआ है तो खुद बताएं क्या उसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है या नहीं माइनस हुई। इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ तो मैं इसलिए मेरा पूछ रहा हूँ। सवाल कैश फ्लो से है जेंटलमैन, बड़ा मुश्किल। मैंने कहा था इनकम है अगर उसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं, तो कैश फ्लो का क्या मतलब है कि वो जितने पैसे आए हैं या गए हैं ये उनकी बात हो रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाई आपने कभी, जी, बिल्कुल तो जेंटलमैन ये तो कैश फ्लो ही लिखा हुआ है ना। अगर इनकम होगा तो ठीक कैश है। फ्लो में कन्वर्ट करेंगे, जब लिखा ही कैश फ्लो हुआ है तो हमें कैसे पता कि ये इनकम है। हमें तो पता ही पता है कि ये कैश फ्लो है। समझ आई है बात या नहीं। जी सर, जी सर, ठीक। अच्छा जेंटलमैन, की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एक चीज है, ये हमने वैल्यू निकाली है वो लिखेंगे नंबर वन। नंबर टू लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू जो हमें मिलेगी, सॉल्वेज वैल्यू हमें लाइफ एंड होने पे मिल रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो सॉल्वेज वैल्यू है आपकी वो आपको मिलनी है, उसे रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो वो रेजिडुअल वैल्यू हमें कब मिलनी है, ईयर 10 पे, सॉरी ईयर 8 पे। तो उस ईयर 8 का जो हमें वैल्यू मिलनी है सॉल्वेज वैल्यू वो 16,000 है, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगी। और वो कैसे निकालेंगे, 16,000 आठवें साल वाला जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। समझ आई है बात या नहीं अभी तक। जी सर, ठीक है, एक दूसरी बात आपने माइनस करनी है इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज भी मैं यहाँ पे हेडिंग के तौर पे ट्रीट कर रहा हूँ। और मेरे पास दो तरह के आउटफ्लोज हैं, एक मेरा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो उतनी ही है जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 65,000। इसके अलावा मुझे ओवरहॉल करवाना पड़ा, अगर ओवरहॉल करवाएंगे तो क्या उसके पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। तो जी सर, तुम्हें प्रणाम। वो आउटफ्लो है मेरा, अगर वो आउटफ्लो है तो वो कब हो रहा है, ईयर एंड के, ईयर 4 के एंड पे, तो मुझे उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 7,000, उसको 4 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरे आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, ये मेरे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है। तो अगर एनपीवी निकालना चाहेंगे तो ये दोनों इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे आउटफ्लोज की वैल्यू, तो हमें मिलेगा, हमारा ये नेगेटिव आ रहा है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन तरीकाकार ये होगा। ये बात समझ आई है जी। जी सर, चले, मैं अभी इसमें मजीद डिटेल में नहीं जा रहा, अभी फॉर द टाइम बिंग मैं सिंपल ही रख रहा हूँ। और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो अभी हैंड आउट आपके पास अवेलेबल है आप इसी हैंड आउट को दोबारा करें, और इसमें आप सिर्फ एनपी नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले क्वेश्चंस को टारगेट करें। हम इस पे इंशाल्लाह, कल तो ऑफ होगा, परसों इंशाल्लाह इस पे मजीद बात करेंगे, और जो बाकी कुछ पॉइंट्स रहते हैं वो भी इंशाल्लाह इस पे कवर करें। ठीक है जी। सो मैं अभी वाइंड अप कर रहा हूँ जी, मैं आपको ये फाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आई होप आप कुछ प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच जी, दैट्स ऑल फॉर द डे।